नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे 9 अक्टूबर के करेंट अफेयर पर। देखिए, आज का करेंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज नोबेल प्राइज से संबंधित और सैन्यभ्यास से संबंधित तथा कई सारे एग्रीमेंट से संबंधित क्वेश्चन है आज के करेंट अफेयर में। तो शुरू से लास्ट से वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के करेंट अफेयर की PDF की लिंक मिल जाएगी और देखिए नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा, तो इन दोनों को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर भी आपको GS और करेंट अफेयर के अपडेट मिलते रहते हैं। और देखिए, अगर आप ऐसे ही GS और करेंट अफेयर के वीडियो का अपडेट पाना चाहते हैं चैनल से ऑटोमेटिक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे अगले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाएगा। और देखिए, वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा निर्माण कुसुम योजना शुरू की गई है। तो देखिए, जो आपकी निर्माण कुसुम योजना है ये आपकी ओडिशा में स्टार्ट की गई है। और देखिए, इस योजना के तहत निर्माण कार्य में जितने भी मजदूर लगे हैं इन सभी मजदूरों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी ओडिशा की सरकार। और देखिए, यहाँ पे तकनीकी शिक्षा दिलाने मतलब हो गया आपका, जैसे कि ITI का कोर्स हो गया या फिर आपका जो है पॉलिटेक्निक का कोर्स हो गया, तो इन सभी कोर्स के लिए जो है सरकार जो है पैसे देगी, यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करेगी निर्माण कुसुम योजना के अंतर्गत जितने भी ओडिशा के मजदूर हैं उनके बच्चों के लिए। तो ये पॉइंट याद रखना आपको। और देखिए, ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल और ओडिशा का ऑफिशियल सांग है बंदे उत्कल जननी और ओडिशा में कुल 30 ज़िले हैं। और देखिए, ओडिशा जो है इसकी सीमाएं कुल 4 भारतीय राज्यों से लगती हैं। और देखिए, ये राज्य आपके हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने SC ST समुदाय के उद्यमों की सहायता के लिए उन्नति योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए, जो उन्नति योजना है ये कर्नाटक के सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जो आपके SC ST समुदाय के उद्यमी हैं इनके लिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए, अभी हाल ही में इस योजना का अनावरण किया है कर्नाटक के सामाजिक कल्याण मंत्री जिनका नाम है प्रियंक खड़गे। तो ये प्रियंक खड़गे जी हैं, इन्होंने ही SC ST समुदाय के उद्यमियों की सहायता के लिए उन्नति योजना का शुभारंभ हाल ही में किया है। और देखिए, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं HD कुमार स्वामी और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजूभाई वाला। अब बात कर लेते हैं हम कर्नाटका जो है ये किन किन राज्यों से सीमा बनाता है। देखिए, कर्नाटका की सीमा लगती है गोवा के साथ, महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, तमिलनाडु के साथ और केरल के साथ, यानी कि टोटल 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है आपका कर्नाटका। देखिए, एग्जाम में ये प्रश्न कई बार अभी UPPCS में भी पूछा गया था पिछले एग्जाम में पिछले साल के, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इसलिए मैं ये फैक्ट आपको बता देता हूँ, आपको पता चलते रहे कि कौन सा राज्य कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो आपका जो कर्नाटका है ये टोटल आपका गोवा 1, महाराष्ट्र 2, तेलंगाना 3, आंध्र प्रदेश 4, तमिलनाडु 5 और केरला 6, यानी कि टोटल 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इसलिए मैं काउंट करके बता देता हूँ ताकि आपको दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। और देखिए, तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत की कीर्तिना पांड्यान ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर लड़कियों की IBSF वर्ल्ड अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो देखिए, इन्होंने जो बेलारूस की एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अल्बिना लेस्चू, तो अल्बिना लेस्चू को हराकर इन्होंने जो है IBSF वर्ल्ड अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो इस चीज़ को एक बार फिर से सुन लीजिए एक लाइन में। देखिए, भारत की एक खिलाड़ी जिनका नाम है कीर्तिना पांड्यान, इन्होंने अभी हाल ही में IBSF वर्ल्ड अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है बेलारूस की एक खिलाड़ी जिनका नाम है अल्बिना लेस्चू को 3-1 से हरा कर। और देखिए, जो आपका ये IBSF वर्ल्ड अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप है इसका आयोजन सेंट पीटर्सबर्ग रूस में किया गया था। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ ने सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम में सुसंगत कार्यान्वयन के लिए किस संस्था के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, इस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है इसके कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहिम और भारतीय उद्योग परिसंघ के जो महानिदेशक हैं चंद्रीज बनर्जी, इन्होंने अभी हाल ही में नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है। देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको याद रखना है। पहला ये कि जो भारतीय उद्योग परिसंघ है यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इसने सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ जो है एक समझौता किया है। और दूसरी बात, देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं इनका नाम है एरिक सोलहिम और जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसके महानिदेशक हैं चंद्रजी बनर्जी, और इन दोनों ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम ने ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम लेजेंड नामित किया है। तो देखिए, इनका नाम है रिची बेनाउट और देखिए इनको जो है मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। तो एक लाइन में फिर से बता देता हूँ,
कि अभी हाल ही में रिची बेनाउट को स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम ने ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम लेजेंड नामित किया है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी। और देखिए छठा प्रश्न है कि हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में कवरेज एक्सटेंशन के लिए प्रशासनिक समाधान के लिए कौन सा अवार्ड जीता है। तो देखिए इस अवार्ड का नाम है ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड। तो याद रखना कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो भारत का है, इसने अभी हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में कवरेज एक्सटेंशन के लिए जो है ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड जीता है। और देखिए जो आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली इंडिया में। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास जाइमेक्स आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। तो देखिए ये स्टार्ट हुआ है भारत और जापान के बीच में। तो एक चीज मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ, उसको ध्यान से दिमाग में बैठाइए। देखिए जो जाइमेक्स है ये भारत और जापान के नौसेनाओं के बीच का जो है द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और देखिए ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है 7 तारीख को, ठीक है, 7 अक्टूबर को, और ये 15 अक्टूबर 2018 तक चलेगा, यानी कि 7 से 15 अक्टूबर तक चलेगा ये जाइमेक्स। और देखिए जाइमेक्स का पूरा नाम याद के लिए एग्जाम में ये भी पूछा सकता है, जाइमेक्स का पूरा नाम है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं लाइन बाय लाइन इनको याद रखिएगा, इनसे कुछ भी पूछा सकता है। तो एक लाइन में याद कर लीजिए कि जाइमेक्स जो है ये भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच का समुद्री द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और आठवां प्रश्न है कि 2018 का इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो देखिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है 2 व्यक्तियों को और इनका नाम है विलियम डी नाडहास और दूसरे हैं पॉल एम रोमर। तो याद रखना है कि 2018 का इकोनॉमिक साइंसेज यानी कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। पहले आपके हैं विलियम डी नाडहास और दूसरे हैं पॉल एम रोमर और ये दोनों जो है अमेरिका के निवासी हैं। और देखिए जो आपके विलियम डी नाडहास हैं इनको लंबे समय से चलने वाले व्यापक आर्थिक विश्लेषण में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के लिए और जो आपके पॉल एम रोमर हैं इनको लंबे समय से चलने वाले व्यापक आर्थिक विश्लेषण में तकनीकी नवाचारों को एकीकृत करने के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और नौवां प्रश्न है कि 2018 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी सबसे ज़्यादा संभावना है इस बार की परीक्षाओं में आने के लिए। देखिए 2018 में जो है साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये वितरित नहीं किया जाएगा। और देखिए एक जरूरी सूचना है, अभी मैंने अभी हाल ही में रिसेंटली कुछ घंटों पहले ही नोबेल पुरस्कार का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें नोबेल पुरस्कार के जितने भी विजेता हैं 2018 की उनकी सूची मैंने डाल दी है। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार क्यों नहीं दिया जाएगा और नोबेल पुरस्कार के बारे में जितनी भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं सारी चीज़ें आपको जो है उसमें मैंने बताई हैं, ठीक है। और साथ में मैंने उसका PDF भी बना के उसका लिंक डाल दिया है, तो उस वीडियो को पूरा देख लीजिए और उसका जो है PDF डाउनलोड करके याद कर लीजिए उसको, ठीक है। तो कम से कम एक बार उस वीडियो को देख लीजिए और हो सके तो 2 बार वीडियो को देखिएगा और PDF डाउनलोड करके एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आइए लौटते हैं हम अपने टॉपिक पे। देखिए जो आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार है इस बार 2018 में नहीं दिया जाएगा, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम नोबेल पुरस्कार की। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ये 1901 से नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट की खोज की थी। ये प्रश्न जो है रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अल्फ्रेड नोबेल जो है इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और ये जो है स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। कंट्री का नाम भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए जो नोबेल पुरस्कार है ये हर साल चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के साथ साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, यानी टोटल 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के जेल प्रशासन ने देश में पहली बार कैदियों को अपने परिवार और रिश्तेदारों को वीडियो कॉल करने की सुविधा प्रदान की है। तो देखिए ये सुविधा भी हाल ही में महाराष्ट्र में प्रदान की गई है, ठीक है। तो याद रखना कि महाराष्ट्र का जो जेल प्रशासन है इसने पहली बार जो जेल के कैदी हैं इनको जो है अपने परिवार और रिश्तेदारियों को वीडियो कॉल करने की सुविधा प्रदान की है। और देखिए जो महाराष्ट्र में महिला कैदी हैं खासतौर से और जो खुले जेल के कैदी हैं इनको जो है जो जेल डिपार्टमेंट है इसने ये सुविधा प्रदान की है। और देखिए आज आपको बताना है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का क्या नाम है।
और देखिए 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 114वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो देखिए इनका नाम है ब्रेट कावाना। तो याद रखना है कि ब्रेट कावाना जो है ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 114वें न्यायाधीश बने हैं। और देखिए अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन है 32.57 करोड़। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए अमेरिका जो है ये आपका एक नॉर्थ अमेरिकन देश है, ठीक है। देखिए जो आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है इसका एक देश है आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब बात कर लेते हैं हम कल के क्वेश्चन नंबर एक की। देखिए कल मैंने पूछा था कि हाल ही में आईसीआईसीआई की निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चंदा कोचर ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, उनके स्थान पर किसको इस पद पर अपॉइंट किया गया है। तो देखिए इनका नाम है संदीप बख्शी और 100% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों को आज बताना है कि हाल ही में निम्नलिखित में से मुंबई के किन स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। देखिए ये अगस्त महीने का करंट अफेयर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में रिसेंटली में कई सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा भी गया था। तो इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाल ही में निम्नलिखित में से मुंबई के किन स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये था आज करेंट अफेयर का वीडियो और कल फिर मिलते हैं आपसे जो है कल के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कल के मेरे वीडियो का अपडेट उनको ऑटोमेटिक मिल जाए। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।